तब क्या होगा, तब बांध जब टूटेगी तब क्या होगा, ऐसी जिंदगी क्या जो जो मतलब उधार में मिली है, जो हर बार हमारे भारतीय सेना ही मारे जाते हैं, जो हम ही आंसू बहाए, बार बार आंसू हम ही बहाए, हमारे ही दिल में क्यों दर्द हो, उसके पाकिस्तान को क्यों नहीं, पाकिस्तान तो हम लोग एक 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 की जगह पे जब तक चार बिहार सरकार से है वो यहाँ के जो शहीद हुए हैं संजय जी और रतन ठाकुर उनको कम से कम 25 लाख का मुआवजा दे, जो दूसरे स्टेट दे रहे हैं 25 लाख, उन्होंने 11 लाख की घोषणा की है, कृपया इसमें सम्मानजनक बदलाव, उनको कुछ भी देगा कोई वजूद नहीं है, जिसके परिवार खोया है उसके लिए कम से कम 50 लाख देना चाहिए, क्योंकि नौकरी भी चाहिए, बनानी चाहिए, क्योंकि सरकारी एम्प्लॉय वो जब तक नहीं बनेंगे उनके लिए बहुत ही अपमानजनक ये स्थिति होगी, क्योंकि कुछ भी देना उनके लिए विकल्प नहीं है, इतना बड़ा हादसा है ये, नौकरी हाँ ये कम से कम है देना चाहिए उनको, और दूसरा स्टेट दे रहा है, दूसरा स्टेट दे रहा है, और नीतीश जी सुलझे हुए मुख्यमंत्री हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो सेंसेबल हैं, इसलिए उनसे हम लोग भी इंजीनियर हैं, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि वो दें, बहुत जरूरी है, उनको कुछ भी दे देगा, सिंदूर नहीं दे सकते हैं हम, वो बहु बेटी को उनका कम से कम कुछ दे दें, हाँ क्योंकि देश ने खोया है, पैसा से कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ एक विकल्प है कुछ दे, लेकिन सैनिकों का इस तरह मरते रहना कब तक जारी रहेगा, कैसे रुकेगा ये समस्या, क्योंकि क्योंकि हमें हमें आपस में पॉलिटिकल जो है राजनीतिक छवि जो है ना वो बहुत खराब होती जा रही है, इसकी वजह से इतना ज्यादा षड्यंत्र एक गलत मैसेज जा रहा है इंडिया के लिए, जो लोग वार कर रहे हैं हम लोग चुप बैठे हैं, हम लोग अपने सैनिकों को खोते जा रहे हैं और उनका बल बढ़ता जा रहा है, मनोबल बढ़ता जा रहा है, इसके लिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं, उस पे कोर्ट मार्शल कर दिए, नहीं अगर सरकार में दम नहीं है तो पब्लिक को हैंड ओवर किया जाए, सरकार में अगर दम एक मिनट सरकार में अगर दम नहीं है तो जनता को बोला जाए, हम लोग बॉर्डर पे जाएंगे, हम उनके घर में घुस के मारेंगे, हम जनता जाएगी अगर सरकार में दम नहीं है तो जनता जाएगी, जनता पाकिस्तान में घुस के 400 आदमी का हत्या करेंगे, हम लोगों में वो दम है, कोई बॉर्डर लाइन अगर दम है तो खुलेआम मारे, चोरी छुप करके मारना बेकार है, आप मीडिया में छाड़िए, नहीं तो पब्लिक में दीजिए, वो चैलेंज करके मार सकते हैं और हम लोग चुप बैठे रहते हैं, उस वार होने का इंतजार हम लोग वार का इंतजार ना करें, उनके वार होने के पहले ही हम उनका जवाब तैयार रखें, तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही मरते रहेंगे, हम मरते रहेंगे, मारा है किसी बलबूते पे, वो लोग पहले तैयारी कर चुके होंगे, 40 आदमी को मार देना, साल दो साल में 40-60 तरीके से हुआ है, षड्यंत्र के तहत इतने हमारे सैनिकों का बलिदान हुआ, नहीं तो ये तीन LOC कंट्रोल करके कैसे घुस सकता है, कैसे घुस सकता है, एकदम स्वाभाविक तरीके से घुसपैठियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, आपस में हमको कल्याणी सिंह, मेरा भी नाम शशिकांत है, आप छापिए, नहीं हो सके तो पब्लिक के हवाला किया जाए, LOC हम में क्षमता है, हम लोग बॉर्डर पे जाएंगे, जिंदा रह के क्या करेंगे, अब तो बहुत हो गया, ये झूठे वादे करते हैं लोग, कश्मीर जाकर के ऐसा कर होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं हो रहा है, कहेंगे